कक्षा 8वीं विषय संस्कृत आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली दो। विविध प्रश्नावली दो का प्रश्न पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला प्रश्न का भूमे गुरु तरह का, यानी भूमि से भारी क्या है, तो आएगा उत्तर में माता। प्रश्न दूसरा था अतुरस्य मित्रम किम, रोगी का मित्र कौन है, तो आएगा भिषग यानी बैल। ग वसंत पंचमी कस्य आगमन सूचयति, वसंत पंचमी किसके आगमन को सूचित करती है, तो उत्तर आ गया ऋतुराज बसंतस्य, वसंत पंचमी ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना देती है। फिर घा वसंत उत्सव कस्य पूजनम भवति, उत्तर वसंत उत्सव कस्य पूजनम भवति, तो वसंत उत्सव में किसका पूजन होता है, वसंत उत्सव में किसका पूजन होता है, तो उत्तर में सरस्वत्या यानी सरस्वती की पूजा होती है। ड चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन ग्रामे अभवत, चंद्रशेखर का जन्म किस गांव में हुआ है, तो उत्तर भाभरा ग्रामे। चा चंद्रशेखर का भाषा अधीतवान, चंद्रशेखर ने कौन कौन सी भाषा पढ़ी है, तो उत्तर संस्कृतम। छा अस्त समय सूर्य स्वर्ण का भवति, अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है, उत्तर ताम्र। जा नर तत्व दुर्लभम कुत्र, मनुष्य शरीर कहाँ दुर्लभ है, तो उत्तर लोके, लोक यानी संसार में। प्रश्न झा जयंता सीता चरणे किम कृतवान, जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया, तो आएगा उत्तर में चंचु प्रहार में चोच का प्रहार किया था। ज्ञा चित्रकूटे जल प्रपात किम नाम, चित्रकूट में जल प्रपात का क्या नाम है, तो उत्तर हनुमान धारा। टा संदेश के माध्यमेन प्राप्त, संदेश किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो अंतरजाल माध्यमेन इंटरनेट द्वारा। था पुष्प संजत कंठे का समर्पयति, पुष्प हार गले में कौन पहनता है, तो शिवराजा यानी शिवाजी। प्रश्न तीसरा, रेखांकित पदम अधृत प्रश्न निर्माण करो, यानी अपने पास वाक्य लिखे हुए हैं इसमें से अपने को प्रश्न बनाना है, और जो वाक्य लिखे उसमें जो अंडरलाइन है उसके नीचे उसकी जगह में दूसरे शब्द लिखना है। का उद्यस्त समय रवि ताम्रवर्णम भवति, तो आएगा रवि की जगह लिखना कहा, तो उद्यस्त समय कहा ताम्रवर्ण भवति। खा वृक्षा अन्यभ्य छाया कुर्वन्ति, तो आएगा वृक्षा केभ्य छाया कुर्वन्ति। गा न्यायपथ पदम न प्रविचलन्ति, तो आएगा उत्तर न्यायपथ पदम के न प्रवलंचन्ति। घा वर्जते तादृशम मित्रम, तो आएगा वर्जते कीदृशम मित्रम की लिखना है। डा विविध पुष्प विविधे पुष्पे ऋतुराजस स्वागता भवति, तो आएगा के ऋतुराजस स्वागतम भवति। च पुस्तकानाम अपि पूजनम भवति, तो आएगा केसाम अपि पूजनम भवति। छ शारदाम अर्चयन्ति, तो आएगा काम अर्चयन्ति। जा रामघाट मंदिकानिया तटे अस्ति, तो आएगा रामघाट कस्य तटे अस्ति। फिर झा अंतर्जालेन लाभा भवति, तो आएगा केन लाभा भवति। फिर ज्ञा सा प्रातः विद्यालय गच्छति, तो आएगा सा कदा विद्यालयम गच्छति। टा एसम मम अग्रज अस्ति, तो आएगा एसम कस्य अग्रज अस्ति। था चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति, तो चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति। प्रश्न पांचवा, अधो निर्देशित अवयव वाक्यानि रचयत, यानी नीचे दिए गए अवयवों से वाक्य रचना कीजिए। क्या क्या दिया है, कदा चा तत्र बिना अत्र अध तू, इसमें अपने को यह शब्द जोड़ के लिखना है, वाक्य बनाना है। तो पहला का त्वम कदा क्रीडसी, खा भ्राता भगिनी च पठता, गा धर्मेश तत्र लिखती, घा ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, डा अकलंकम अत्र अगच्छति, च अध सोमवार सोमवासरा अस्ति, छ कार्य तु करणीयम। प्रश्न छठवा, नामो उल्लेख पूर्वकम संधि कुरु, यानी नाम का उल्लेख करते हुए संधि लिखीजिए और उसमें संधि शब्द बनाइए और संधि का नाम लिखिए। जैसा खंड बना के तीन खंड बना लिखे, इसमें लिखो संधि विग्रह, दूसरे में संधि शब्द, तीसरे में संधि का नाम। तो का शक्ति धन तत्र बराबर शक्तिस्त्र, संधि का नाम है विसर्ग संधि।
ख सट धन एते बराबर सट एते व्यंजन संधि ग अत्र धन एव अत्रेव स्वर संधि ग किम धन अर्थम किमर्थम व्यंजन संधि ड कालात धन ए बराबर काला देव व्यंजन संधि च अहर निशम तो आएगा अहर निशम धन विसर्ग संधि छ खादान धन आपी बराबर खदनापी व्यंजन संधि। प्रश्न सातवा लकार परिवर्तनम कुरु यानी लकार में परिवर्तन कीजिए। तो इसमें भी दो खंड बनाओ लट एक तरफ लिखो लट दूसरे तरफ लोट। तो इसका का रक्षति तो अगर रक्षतु खा रक्षामि तो अगर रक्षाणी गा गच्छसी तो गच्छ घा गच्छाम तो अगर गच्छाम ड पिबन्ति तो पिबन्तु च पिबत तो पिबत छ श्रणयु तो छणु तम ज याचत याचताम झ स्मराम तो स्मराम ज्ञा पचंती तो पचंतु। इसी प्रकार विविध प्रश्नावली समाप्त होती है।